शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पर आदिवासी युवा शक्ति संगठन के द्वारा मिशन युवा नेत्र 2023 जयस महापंचायत की गई है, और इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी दावेदारी का शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया है। कार्यक्रम में इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई कि जयस युवा विधानसभा और लोकसभा में कैसे पहुंचे और गरीबों आदिवासियों पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में कैसे उठाएं। कार्यक्रम में आदिवासी समाज में शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ापन पर खुलकर चर्चा की गई है, और इन क्षेत्रों का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर आदिवासी समाज के हालात को सुधारने के लिए भी जोर दिया गया। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमने देश के 1500 के लगभग, इसमें 800 नोटिफाइड ट्राइबल है और 750-800 के लगभग नॉन नोटिफाइड ट्राइबल है, उनमें सबको एकजुट करने के लिए हमने जो अभियान चलाया उसमें से कम 1000 कम्युनिटी को हम एक कर चुके हैं, और हमारा मकसद है सबको एकजुट करना, और धीरे धीरे सबको एकजुट करेंगे। अभी आने वाले 2023 में इसका रिजल्ट मिलेगा। आज इस महापंचायत में आपने एक झलक देखी है, पिक्चर हम 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा में नए युवाओं को 80 विधानसभा सीटों पर हम लोगों ने तैयारी करने की आज रणनीति का आगाज शुरू किया है, रणनीति का आगाज किया है। सीटें बढ़ भी सकती है, ऐसा कहीं नहीं कि 80 सीट फिक्स है, अभी हमारी तैयारी इसमें थी, और आने वाले समय में और भी जो, जैसे आज की महापंचायत में ओबीसी महासभा जुड़ा, ओबीसी वर्ग का बड़ा जो धनगर समाज से लेके पाटीदार फिरवी समाज, सब समाज जुड़ा जयस महापंचायत में आया है। तो अगर ये सभी समाज साथ में आते तो निश्चित है हम ऐसी सीटों पर भी जहाँ पर सामान्य वर्ग है और बाहुल्यता में हमारे सपोर्ट से जीत सकते हैं, तो हम लोग मिलकर कोशिश करें। आप लोग वही सहारनपुर के देवबंद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बताना चाहेंगे कि इस मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 17 तारीख में थाना देवबंद से सूचना मिली थी कि मेन बाजार में अर्पण ज्वेलर्स के नाम से एक सुनार की दुकान है। उन्होंने बताया कि चोरों के द्वारा छत के रास्ते से जाकर चार ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, और इस घटना को तुरंत संज्ञान लेते हुए देवबंद थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारियों और थाने के फोर्स के द्वारा मौके का मुआयना किया गया, और उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने टीम गठित कर दी थी, इसके चलते 48 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 तारीख को थाना देवबंद से सूचना मिली कि मेन बाजार में अर्पण ज्वेलर्स एक सुनार की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, उस पे ऊपर से चढ़ के छत से चार ताले तोड़ के और चोरी की घटना कारित की गई है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी अधिकारियों के द्वारा और थाने की पोस्ट के द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया, और हम लोग ने टीम गठित कर दी इस घटना का पड़नाभ के लिए। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 48 घंटे के अंदर थाना देवबंद पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण ही नहीं किया है, बल्कि लगभग 100% बरामदगी की है, और जितना इसमें कैश गया था पूरे कैश की पूरी बरामदगी है, और इसके साथ जो ज्वेलरी गई थी लगभग 90% ज्वेलरी की बरामदगी है। इसमें दो अभियुक्त चोरी करने वाले और एक भी जो कि रिसीवर ऑफ स्टूडेंट प्रॉपर्टी था, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है, इनको गिरफ्तार करके और कारागार। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां पर विकास खंड स्तरीय कृषि मेला एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग प्रयागराज के द्वारा किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसीएफ चेयरमैन प्रेम कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया है कि हमें फसलों के अवशेष को खेतों में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि पराली को खेत में जलाने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और फसल की पैदावार भी कम होती है, इसीलिए कभी भी खेतों में पराली को नहीं जलाना चाहिए। वहीं खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पर नदी के उफान से बाढ़ के पानी ने एक और जवान की जान ले ली है। तहसील बांसी थाना अंतर्गत एसएसबी में पोस्ट पर तैनात जवान की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं
वहीं सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अवध प्रांत के द्वारा हित चिंतक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान बजरंगी प्रखंड संयोजक सीनू मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि सभी हिंदू ज्यादा से ज्यादा हित चिंतक सदस्य बने और अपने परिवार के लोगों को भी जोड़े। सदस्यता शुल्क जो है वो 20 रुपये रखा गया है। वही खबर बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से है जहां पर पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार उत्पीड़न को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने नजीबाबाद से अफजाल अंसारी को नगर अध्यक्ष बनाया है। अफजाल अंसारी के नगर अध्यक्ष बनाए जाने की खबर से स्थानीय मीडिया कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। बता दें कि राष्ट्रीय संगठन अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति नजीबाबाद इकाई की एक बैठक रामपुरा स्थित कैप कार्यालय पर आयोजित की गई थी जिसमें अफजाल अंसारी को सर्वसम्मति से नगर अध्यक्ष चुना गया है और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष ने भी पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक सप्ताह में कमेटी का गठन करने की बात कही है। कैम कार्यालय में भारतीय सुरक्षा समिति जो है उसमें मीटिंग की गई है और अफजाल अंसारी को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और भविष्य में चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें और इस जो समिति चल रही है इसके जो नियम कानून है उसके हिसाब से अपना बिजनौर के नजीबाबाद में सिविल पुलिस प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और इसी कड़ी में सिविल पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस डिपो पर चेकिंग अभियान चलाया है। LIU के द्वारा संदिग्ध यात्रियों के सामान सहित उनकी तलाशी ली गई और इस दौरान लोगों से भी अलर्ट रहने की अपील की गई। नजीबाबाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चला गया है, क्या विषय? आगामी त्योहारों को देखते हुए सिविल पुलिस की मदद से रोडवेज डिपो नजीबाबाद चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस अलर्ट पर यह संदिग्ध यात्रियों को सामान सहित उनकी तलाशी ली गई है। वही खबर कौशाम्बी जिले से है जहां पर दहेज के लोभियों ने फिर एक नवविवाहिता गर्भवती को मार मार कर घायल कर दिया है। पीड़िता ने बताया है कि दहेज के लिए उसके ससुराल वाले उसे बहुत मारते पीटते हैं। साथ ही पीड़ित महिला के पति ने भी उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ पर महिला का इलाज जारी है और यह पूरा मामला सैनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सामने देखो जितना हो सका था हमारे भाई ने दिया जितना सामान, उसके बाद नहीं और ले गया 5 लाख नगद ले गया, 4 बाइक ले गया, टप रखे ऐसे करके लगातार जोड़ रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा हद पार कर दी। कमरे में धान की पहली मारा, लाखों लाख से मारा, 3 मंजिल से जीना से जीते हमको लेकर आया हमारा पति, मुझे सास पति दोनों मिल गए, कपड़े हमारे पूरे उतर गए, रोड में घसीट के मारा लगातार चिल्लाते रहे हाथ भी जोड़े इतना बिनती किए कम से कम हमारे कपड़े तो दे दो, डायरेक्ट पहली जब ये क्या कपड़े उठा क्या कर सोचा लाल उसको मार दे और वहाँ सबके सामने बोले अजुम ने कि जब मेरे मालकी छोड़ गया था और वहाँ से लेके गए अपना लेके गए वहाँ फिर वापस आया ये कहीं भाग न जाए, उसके बाद आया फिर मारना शुरू कर दिया, हाथ में जोड़ रहा, पेट में लात मारा, 10 लात वहीं पे मारा, मेरा तो वहाँ फेंक दे दी, चल रही थी लगा मदद मांगी मैं, तब उसने हमसे मदद की, तब हमने अपने भाई के पास की आपके गाँव में, तब हमारे भाई ने आया उसने उसको बचाया, मार रहा था लगातार मार इतना चिल्लाते रहे लेकिन मारा नहीं, मारते हुए तब फौजी ने बचाया, तब उसकी गाली गलौज करने लगा उसके ऊपर भी हाथ उठा दिया। वही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने आमजन से विशेष अपील की। SP ने अपील करते हुए कहा कि त्योहार के समय बाजार आने जाने में अत्यधिक सतर्कता बरतें, अपने कीमती सामान की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, अपने वाहन के नियत स्थल पर ही पार्किंग एवं सही तरीके से उसे लॉक करें, दोपहिया वाहन चालक अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना सुनिश्चित करें, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पहले तो आप सभी को मंदसौर पुलिस की तरफ से आगामी दीपोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान कोविड के बाद ये त्यौहार आ रहे हैं तो जैसा हमने पहले देखा कि लोग काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं, सभी त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, मार्केट में भी चहलकदमी काफ़ी रहती है, भीड़ भाड़ रहती है, तो उसी संदर्भ में कुछ अनुरोध है मेरे आपसे मंदसौर पुलिस की तरफ से।
इसमें जितने भी हमारे बड़े कस्बे हैं, सभी कस्बों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोग खरीदारी करने आएंगे। तो जितने भी हमारे बाहर से खरीदारी करने लोग आ रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि अपने वाहन को कृपया करके पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें और साथ ही साथ उसको आवश्यक रूप से लॉक करें। हमने ये पाया है कि कई बार हम लोग जल्दबाजी में गाड़ियाँ लॉक नहीं करते हैं और फिर उसमें चोरी होने की संभावना रहती है। उसको अनअटेंडेड कहीं पर भी ना छोड़ें। आजकल देखने में आया है कि कई ग्रह अवयस्क बच्चों को का प्रयोग करते हैं और उसमें ये बैग लिफ्टिंग वगैरह की घटनाएं कई सारी सामने आई हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस तरह की लापरवाही ना करें। साथ ही साथ जहाँ जो हमारे व्यापारी गण हैं, आप लोगों से भी अनुरोध है, आप अपने काउंटर वगैरह पर आप थोड़ा सजग रहें। आसपास जो आपके कर्मचारी वगैरह हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए बोलें। मार्केट में भीड़ रहेगी, इसको कोई टाल नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता, परंतु इसमें व्यवस्था बनाना किस तरीके से हमारे व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो और जो खरीदारी करने आ रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो और आमजन का ट्रैफिक भी नॉर्मल चलता रहे, इसमें हम सभी को एक प्रयास करना पड़ेगा। इसी में आप लोगों से ये अपील है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट की व्यवस्था सुगम बनेगी। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है जहां पर ग्राम भारती के जिला प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई है। बता दें कि बैठक का शुभारंभ माँ सरस्वती की पूजा के साथ हुआ। इस बैठक में आगामी माह में होने वाली गतिविधियों पर समीक्षा की गई, साथ ही प्रांतीय संयोजक मंडल के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।